नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ एक दिनों में बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं। लास्ट एग्ज़ाम बचा है कृषि वर्ग के छात्रों के लिए। अभी उनको आगे का रास्ता देखना है, आगे क्या करना है, गोल तय करने, लक्ष्य निर्धारित करना है। आगे आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या संभावनाएँ हैं, हम आज उसके बारे में चर्चा करने आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, 12th के बाद या तो आप जॉब ले सकते हैं या किसी विश्वविद्यालय में पढ़ करके अपना आप डिग्री कोर्स पूरा कर सकते हैं, या फिर आप कोई छोटा मोटा कोर्स 6 महीने, 2 महीने, साल भर का, 2 साल का आप कोर्स करके कोई और जॉब देख सकते हैं। आज हम लोग विधिवत इसी पर चर्चा करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और क्या क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉब, गवर्नमेंट जॉब। आजकल आप जानते हैं 12th जो है बहुत छोटा एजुकेशन का लेवल हो गया है। मतलब छोटा सा मतलब छोटा नहीं होता है, छोटे का मतलब है कि अब इस लेवल पे जो है वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। ठीक, अभी गवर्नमेंट सेक्टर में देख लें तो रेलवे है, ठीक है, रेलवे आपको ये मौका देता है, SSC मौका देता है, ठीक है, SSC आपको मौका देता है, आप SSC का फॉर्म भर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस का फॉर्म भर सकते हैं। इस तरीके की कुछ एक जॉब है जो आप गवर्नमेंट सेक्टर में 12th के बाद भर सकते हैं। लो लेवल की जॉब आती हैं, इनका लेवल कम होता है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, लेकिन पे स्केल वगैरह बहुत कम होगा। जितने कम एजुकेशन में आप जॉब ज्वाइन करेंगे उतना कम पे स्केल हो जाएगा। अभी इसमें प्राइवेट में जा सकते हैं, जैसे बहुत सी कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती हैं, वो अपना फील्ड ट्रायल लगाती हैं। फील्ड ट्रायल मतलब परीक्षण करती हैं, उस परीक्षण प्रक्षेत्र पर आपको फील्ड असिस्टेंट की या फील्ड गार्ड की आपको नौकरी दी जाएगी। ये आप जॉब BSc एग्रीकल्चर के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा संभावनाएं आपकी नहीं बनती हैं। और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट में बात करें तो कई सारी फॉर्म आप कहीं भी जा करके कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ छोटा मोटा आपको वेतन वगैरह मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद का अगर हम देखें कोर्स, जैसे कुछ छात्र चाहते हैं कि हम 5 साल का कोई डिग्री प्रोग्राम नहीं करना चाहते, इतना समय नहीं है, इतना फाइनेंशियल दिक्कत है, कुछ कम कोर्स करना चाहते हैं, सर उसमें कुछ बताइए, तो उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, यहाँ कुछ एक डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं जो 6 महीने से लेकर के 2-3 साल तक के हैं। आप इसमें डेयरी वाला डिप्लोमा ज्वाइन कर सकते हैं, डेयरी के लिए है, फूड टेक या फूड केमिस्ट का डिप्लोमा होता है। आप इसमें मैकेनिकल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, अल्कोहल टेक्नोलॉजी होता है, अल्कोहल टेक्नोलॉजी आप ज्वाइन कर सकते हैं, शुगर कैन टेक्नोलॉजी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एक डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। साथ में NSI है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, भारतीय सरकार संस्थान, इसके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा जरूर होगा, आपकी बुकों में दे रखा है। ये भी 6 साल से लेकर के 6 मंथ से लेकर के 3 ईयर तक के कई सारे डिप्लोमा कोर्स कराती है, जिसके लिए PAG, PCM, PCB वाले छात्र जिनका +2 है वो एलिजिबल होते हैं। कुछ कोर्सेज 12th के बाद के हैं और कुछ कोर्सेज जो हैं आपके ग्रेजुएशन के हैं, तो इसके बारे में आगे फिर कभी चर्चा करेंगे। या किसी को और जानकारी चाहिए हो तो आप हमको कॉल करके पूछ भी सकते हैं। फिलहाल में इतने ही कोर्सेज हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत कम समय के लिए हैं, जिनमें आप एलिजिबल हैं। इसके बाद अगली स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। विश्वविद्यालय, बहुत से छात्र, मैक्सिमम छात्र जो है ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही आपको कई सारी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं जिनकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होती है। अगर हम विश्वविद्यालय की बात करें तो बेसिकली जो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए मूलतः बनाया जा रहा है, लेकिन इसको और भी जो अदर स्टेट के छात्र हैं उसको भी समझ लें। एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और एक सेंट्रल लेवल का होता है, ठीक। तो एग्ज़ाम बेसिकली आप देख सकते हैं कि इनको आप दे करके आप जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अब स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में अगर हम बात करें तो आपका यूपी में यूपी कैटेट आता है, इसके बारे में आपने सुन रखा होगा। ये क्या है? उत्तर प्रदेश सम्मिलित कृषि प्रौद्योगिक प्रवेश परीक्षा, उत्तर प्रदेश कम्बाइंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। अगर यही हम बिहार की बात कर लें तो वहाँ BCEC का एग्ज़ाम होता है, झारखंड की बात करें तो JCEC का एग्ज़ाम होता है,
राजस्थान की बात करें तो जेट का एग्ज़ाम होता है, मध्य प्रदेश की बात करें तो एमपी पैट का एग्ज़ाम होता है। ठीक, ये एग्ज़ाम जो होते हैं स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं, जो स्टेट के छात्र ही, एक दूसरे में आप नहीं जा सकते। यूपी कैटेट जो दे रहा है छात्र वो बीसीसी में नहीं ले सकता, जेसीसी में नहीं ले सकता, जेट में नहीं, एमपी पैट में, कहीं कहीं थोड़ा बहुत एमपी पैट में जैसे 5-10% सीटें हैं जहाँ आप जा सकते हैं। अगर हम सेंट्रल की बात करें, सेंट्रल लेवल पर अगर आपको कोई एंट्रेंस देना है तो उसमें आपका एक तो ICR है, दूसरा CUT है। ठीक, ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं इनके माध्यम से। CUT से जैसे BHU ICR आपको मिल रहा है, ठीक है, आपको बताया जाएगा BHU है ICR है, ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। ठीक है, ICR अपना इंडिविजुअल भी एग्ज़ाम अभी तक कराता आया है, पिछली बार इसने CUT के माध्यम से कराया था, इस बार ये CUT में अभी तक दिखा नहीं है। संभव है कि हो सकता है आने वाले 10-5 दिनों में ये आपका CUT में मर्ज हो जाए, या जो भी नोटिस होगा वो फर्दर ICR आपको देखने को मिल जाएगा कि अपना इंडिविजुअल एग्ज़ाम कराएगा कि नहीं। इस एग्ज़ाम के थ्रू ICR के एग्ज़ाम देने से आप जो 74 यूनिवर्सिटीज़ 75 यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर की, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। हर विश्वविद्यालय में ICR का 15% का रिजर्वेशन होता है, उन सीटों पर आप एडमिशन ले सकते हैं। इस बार ICR में पिछली बार का एक नोटिस है, अभी कन्फर्म नहीं है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता मैं आपको फिर से बता दूं, अभी कंफर्म नहीं है जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आता। पिछली बार की एक नोटिस है कि जितने भी इनके सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं हर जगह पे इन्होंने UG PG PhD कुछ एक सीटें इन्होंने बढ़ोतरी की है, हो सकता है इस बार ICR में वो सीटें ऐड होकर आपको दिखें, और भी सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। BHU अपना खुद का एग्ज़ाम कराता था लेकिन अभी CUT से है, इसमें 200+ सीटें हैं। ठीक है, कुछ एक सीटें इसमें जो है नेपाल भूटान बांग्लादेश जैसे राष्ट्र के लिए जो है आरक्षित हैं, जिनमें अदर स्टेट के अदर कंट्री के जो है बच्चे आते हैं, बाकी की जो है वो ऑल इंडिया लेवल की कंपटीशन के लिए। ठीक, उसके बाद हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। जो यूपी कैटेट के भी हमने आपसे बात की थी, यूपी कैटेट में बेसिकली 4 यूनिवर्सिटियाँ आती हैं, ज़्यादातर छात्रों को पता होगा वो 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं। एक तो आपकी नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, दूसरी आपकी बांदा है, तीसरी कानपुर है, चौथी आपकी मेरठ है। ठीक, तो नरेंद्र देव जो है वो आपकी फैजाबाद में है, चंद्रशेखर आज़ाद कानपुर में है, बांदा यूनिवर्सिटी बांदा में है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में। ठीक, तो 4 नरेंद्र देव अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको यूपी कैटेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ICR का एग्ज़ाम दे करके भी आप इसकी 15% सीटों में भागीदारी कर सकते हैं। देखिए, अब इसकी बात करते हैं, जब आप यूपी कैटेट का एग्ज़ाम देते हैं जो कोर्स ऑफर होते हैं उसमें आपको कुछ कोर्सेज BSc के मिलते हैं, कुछ कोर्सेज BTech के मिलते हैं। ठीक, तो जो BSc के कोर्सेज होते हैं उनमें आप BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, BSc हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, BSc फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, BSc फिशरीज कर सकते हैं। ठीक, और BTech की बात करें तो आप BTech एग्रीकल्चर BTech कर सकते हैं, आप डेयरी टेक कर सकते हैं। ठीक है, आप सुगर कैन टेक्नोलॉजी है, आप ये कोर्स ले सकते हैं। ये कोर्सेज है जो आपको जो है विश्वविद्यालय में आपको मिलते हैं। इसके साथ आपका BBSc भी है, बैचलर इन वेटनरी साइंस, ये कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। साथ में कुछ एक और कोर्सेज चलते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस चलता है, CS बोलते हैं उसको, मैकेनिकल कोर्स चलता है। ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं। इसमें अगर हम नरेंद्र देव की बात करें, नरेंद्र देव की अगर हम बात करते हैं, नरेंद्र देव एक विश्वविद्यालय है, इस विश्वविद्यालय के अंदर महाविद्यालय होते हैं, हर विश्वविद्यालय में महाविद्यालय होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके 3 कैंपस हैं, एक कैंपस आपका अंबेडकर नगर में है। ठीक है, दूसरा कैंपस आपका आजमगढ़ में है, और तीसरा कैंपस आपका गोंडा में है। ये 3 कैंपस हैं, इसकी और संस्था हैं जो 3 अलग अलग जिले में स्थित हैं। ठीक, इन जिलों में आजमगढ़ में आपको BSc एग्रीकल्चर करने का मौका मिलता है, गोंडा में आपको BSc एग्रीकल्चर करने का मौका मिलता है,
और जो अंबेडकर नगर है यहाँ बीटेक के कोर्सेज चलते हैं। तो बीटेक एग्रीकल्चर है आपका नरेंद्र में, सीएस है मैकेनिकल है, ये आप ले सकते हैं। ठीक है, फिशरीज नरेंद्र में है, नरेंद्र में जो है एग्रीकल्चर है, मेन कैंपस में हार्टिकल्चर है, बीबीएससी है। ठीक है, हार्टिकल्चर है, फिशरीज है, बीबीएससी है, एग्रीकल्चर है। अभी अगर सीएसए की बात करें तो सीएसए में तीन कैंपस हैं, एक आपका इटावा है, दूसरा आपका लखीमपुर खीरी है, तीसरा आपका हरदोई है। इन पे हम बाद में भी और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन जो इटावा है वो बीटेक, आप बीटेक के लिए है, आप बीटेक करने जा सकते हैं। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी है, यहाँ आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिलता है, हरदोई में आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिलता है। ठीक है, सीएसए में जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री है, बीएससी होम साइंस है, बीटेक में बीटेक आपका एग्रीकल्चर है, सीएस है मैकेनिकल है, डेयरी टेक है, और बीएससी फिशरीज है जो आपकी इटावा में चलती है, बीएफएससी बोलते हैं, बीएफएससी बोलते हैं, बीएससी फिशरीज जो है आपकी इटावा में चलती है। ये कोर्सेज की बात इसमें हो गई। इसी तरीके की बांदा है, बांदा का अपना कोई कैंपस नहीं है, बांदा में जो भी पढ़ाई होती है मेन यूनिवर्सिटी में होती है। यहाँ जो आपको कोर्सेज देखने को मिलते हैं बीएससी एग्रीकल्चर मिलेगा, बीएससी एग्रीकल्चर मिलेगा, हार्टिकल्चर मिलेगा, फॉरेस्ट्री है। ठीक है, अभी ये कोर्सेज यूजी में चल रहे हैं, बाकी के कोर्सेज होम साइंस के लिए है, आपका वेटनरी के लिए है, इसमें कार्य जारी हो सकता है। इस बार जो यूपी कैडेट का नोटिफिकेशन आया आपको उसमें देखने को मिले। इसी के साथ में एक जानकारी आपको और दे देते हैं, इस बार जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल आ गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बार जो है यूपी कैडेट एग्जाम कराने जा रहा है। जैसा कि आप अवगत होंगे इस बार नंबर सीएसए का था, लेकिन किसी कारणवश सीएसए इस प्रतियोगिता को कराने में असक्षम है या जो भी है, वो अपना टर्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे रहा है। 11 मार्च को एक बैठक होनी है, 11 मार्च को एक बैठक होनी है, इस बैठक में निर्धारित होगा कि एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब आएगा, कितना भरा जाएगा, क्या डेट होगी। तो संभावित 11 मार्च की डेट है, इसके बाद ही जो भी नोटिफिकेशन आएगा या जो भी वहाँ से सूचना आएगी आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल में जो कोर्सेज हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, बीबीएससी है। ठीक है, यहाँ एक कोर्स आपको और देखने को मिलेगा, शुगर कैन टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कोर्सेज और आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग भी चलता है, बीटेक बोलते हैं, बीटेक चलता है, और यहाँ बायोटेक्नोलॉजी भी चलता है यूजी में। ठीक है, ये कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं कौन सा कोर्स किसके लिए मिलेगा और किसके लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन वहाँ जाने से पहले आप देख लीजिए, ये पिछली बार का हमारा जो है टॉप 10 का रिजल्ट है वो हम आपको बता रहे हैं। आशीष हमारे पास यूपी कैडेट की कानपुर में सबसे अच्छी रैंक है, 2 रैंक लाए हैं भैया। शिवकांत यादव 8 रैंक है, रेजल सिंह हरदोई 9 रैंक है, आदित्य लखनऊ इनकी 58 रैंक है ओवरऑल कैटेगरी में, इन्होंने पहली रैंक मारी है, एसटी कैंडिडेट है। आदित्य कुमार बलिया के रहने वाले हैं, इन्होंने कैटेगरी में 2 रैंक मारी है, इनकी ओवरऑल 102 रैंक है। ठीक, इस रैंक के साथ में हम टॉप 10 में सबसे ज़्यादा अच्छी रैंक है हमारे पास, सबसे अच्छी रैंक भी है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन भी दिया है। कहने वाली बात नहीं है, मैं बोलता भी नहीं, लेकिन लोग झूठा प्रचार करते हैं, उससे अच्छा है कि हम अपनी बात तो रखें कम से कम। आपको तो एक बैच चालू होने वाला आप देख पा रहे हैं, क्रैश बैच, जिसका एग्रीकल्चर के बच्चों का हमेशा इंतज़ार होता है, 12th के बाद आपको क्या करना है उसका विकल्प है आपके पास। आप 12 मार्च से आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो छात्र कानपुर आना चाहते हैं वो कानपुर आके जुड़िए, जो कानपुर नहीं आ सकते हैं, ठीक है, वो हमारा एप्लीकेशन है, आप इस पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी सर्च करेंगे, आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा।
एप्लीकेशन पे जा करके कोर्स परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़िए। 12 मार्च से बैच चालू है, अगर आप उसके पहले परचेज करते हैं तो आपको ₹500 की आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक। अगर आप 12 मार्च के पहले परचेज कर लेते हैं, अभी मौका है, कोर्स बहुत महंगा नहीं है, आप उस पर जाएंगे आपको दिखेगा। साथ ही दोस्तों हम लोग ऑफलाइन बैच भी चालू करते हैं, तो ऑफलाइन बैच जिन छात्रों को कानपुर आना है वो 12 मार्च तक आना सुनिश्चित करें। अगर कोई लेट भी होता है तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि बैच एक दो नहीं, दो तीन बैच बनते हैं, किसी न किसी बैच में आपको शुरुआत से पढ़ने का मौका मिलेगा। अब देखिए एलिजिबिलिटी की अगर हम बात कर लें, यूपी कैडेट कौन कौन दे सकता है, तो जिनका प्लस टू एग्रीकल्चर है, या जिन्होंने पीसीबी से किया है, या जिन्होंने पीसीएम से किया है, या जिनका होम साइंस है, ठीक। ये चार विषयों से जिनका ट्वेल्थ है वो छात्र यूपी कैडेट का एग्ज़ाम दे पाएंगे। एलिजिबिलिटी सिर्फ ये है, और एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो भी आप कोर्सेज पढ़ते हो उसी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी है। इस पर हम विधिवत चर्चा करेंगे, जब फॉर्म आएगा तो हम फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बेसिकली यही है कि आपका अगर पीएजी है, पीसीबी है, पीसीएम है, या पीएचएस होम साइंस है, तो आप यूपी कैटेट का फॉर्म भर पाएंगे, आप आईसीआर का फॉर्म भर पाएंगे, आप सीयूटी का फॉर्म भर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। जो भी छात्र कानपुर आने के इच्छुक हैं वो कानपुर आ सकते हैं, जो ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। 12 मार्च तक का समय है, आप ये ₹500 का जो डिस्काउंट चल रहा है इसको आप रिडीम कर सकते हैं। आप अभी जाइए, अभी डाउनलोड करिए और अभी कोर्स परचेज कर लीजिए। 12 तारीख से आपको इसमें क्लासें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। एज इट इज कोर्स रहेगा, जो ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए रहेगा वही ऑनलाइन में है, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा आपके साथ में। जिन छात्रों का पीएजी है वो भी आ सकते हैं, जिनका पीसीबी है वो भी आ सकते हैं, जिनका पीसीएम है वो भी आ सकते हैं। पीएचएस ग्रुप की हम कोचिंग नहीं कराते हैं, बाकी के छात्र हमको ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ और है, आप इसको देख लीजिएगा, सीयूटी का फॉर्म चल रहा है, तो जो छात्र सीयूटी का फॉर्म घर रहते अगर भर सकते हैं तो अच्छी बात है, भर लीजिए। नहीं तो हमारे इस पर वीडियो पड़ा है, आप उसको देख लीजिए चैनल पर जा करके, किस तरीके से भरना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उसके बाद इस फॉर्म को भरिए। अगर आपको घर में भरने में दिक्कत आ रही, तो आप अगर कानपुर ऑफलाइन कोचिंग आना ही चाहते हैं तो यहाँ आकर के आप फॉर्म भरिएगा, हमारे गाइडेंस में किसी तरीके की कोई गलती नहीं होगी फॉर्म भरने में, उसको रीचेक भी किया जाएगा, ठीक है। और यूपी कैटेट का फॉर्म आपके यहाँ आने के बाद ही आएगा, संभवतः जब भी फॉर्म आएगा इसकी आपको अलग से जानकारी दी जाएगी। आप जुड़े रहिए हमसे और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।